हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। तो आज तुम्हारा भाई कोडर वाली टी शर्ट डाल के करेगा कोडिंग। क्यों? क्योंकि मेरे को कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला हुआ है, इंडिविजुअल असाइनमेंट। अब मेरे को पूरे यहाँ पे 5 वीक्स हो गए आए को, मतलब कि 1 महीना, और 1 महीने के अंदर हमें बेसिक HTML पूरी कंप्लीट कर दी है, थोड़ी बहुत रह गई है। CSS के अंदर हम फ्लेक्स बॉक्स तक पहुँच चुके हैं, एंड उसके अलावा मैंने इंडिया में प्रैक्टिस करी हुई है इस चीज़ की। अब आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा कि मैंने कोडिंग कहाँ से सीखी। तो यार, मैंने इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बंदा जो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता है आप लोगों के लिए, उनका नाम है हैरी भाई, और ओके उनका चैनल का नेम है कोड विद हैरी। लिटरली आपको कुछ भी सीखना है उनके चैनल के ऊपर, हर एक चीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 100 100 वीडियोज़ की, विद प्रैक्टिस टेस्ट, एवरी थिंग। अगर आप में पैशन है ना, आप कुछ सीखना चाहते हो, फ्री कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा पड़ा है। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिक स्क्रैच से वेबसाइट बनानी है। स्क्रैच से मतलब लिटरली बस एक वायर फ्रेम दिया हुआ है कि इधर नेविगेशन बार आना चाहिए, इधर हेडिंग आनी चाहिए, इधर सेक्शंस आने चाहिए, तो वो दिया। एंड मैं आधी से ज़्यादा वेबसाइट बना चुका हूँ, मैंने पहले वीडियो बनाई नहीं, तो आपको शुरू से दिखा देता। तो वैसे करते हैं, मैं पहले आपको वायर फ्रेम दिखा देता हूँ और बाकी की वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाके करो, बेल आइकन को दबा दो ताकि एक भी अपडेट आप मिस ना करो। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो। तो ये है वो प्रोजेक्ट जो हमें मिला है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि एक वेबसाइट बनानी है, एक पेज की, कोई भी स्टाइल की बना सकते हैं, हमारी मर्जी। लेआउट है जो वायर फ्रेम, मतलब जो ढांचा स्केलेटन एक टाइप से, वो ये दो मिले हैं, एक वायर फ्रेम 1 और एक वायर फ्रेम 2। इन दोनों में से एक बनाना है, बस उसके अंदर ये फर्क है कि जो नेविगेशन बार है वो साइड पे आ रहा है, लेकिन मैं वायर फ्रेम 1 बना रहा हूँ। दिस मस्ट बी कोडेड बाय यू एंड यू मे नॉट यूज एनी प्रीवियस असाइनमेंट वर्क और एक्सटर्नल कोड। इट विल बी ऑटोमेटिक 0 और एक अकेडमिक ऑफेंस भी होगा। बाय द वे, कनाडा के अंदर प्लेजरिज्म नाम की एक चीज होती है, मतलब कि अगर आप अपने कोई दूसरे कॉलेज के अंदर फ्रेंड को सेम प्रोजेक्ट मिला उसका भी डाल रहे हो ना, तो वो भी प्लेजरिज्म काउंट होते हैं। इनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली, वो जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने किसी का कोड उठाया या असाइनमेंट उठाई है। एंड आप बिल्कुल भी इस चीज़ की भूल के भी गलती मत करना, आप लो गूगल से रेफरेंस लो, चैट जीपीटी से लो, लेकिन चेंजेस कर दो उसके अंदर ताकि पता ना लगे, मतलब उसको अपने वे में यूनिक बना लो। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स हेयर। अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तो अच्छे से अपनी क्लासेस लगाओ, एंड क्लासेस लगाते लगाते सीखो सारा कुछ, कोई डाउट है टीचर से पूछो, और अपनी घर आके प्रैक्टिस करो प्रॉपर, तो फिर आप जनरली सीख सकते हो। एंड अगर लॉन्ग टर्म में IT लाइन में या कोई भी अपने डोमेन में आगे जाना ना, तो प्रैक्टिस इज़ द की। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, कुछ सीख लोगे यार, बन जाओगे, लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, प्रेशर कम होगा, तो इट्स बेटर। तो अभी प्रैक्टिस करो, अभी सीखो, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ हाई टाइम, कीप योर फोकस। अब जैसे ये दी हुई है, ये सारा कुछ मैं पढ़ चुका हूँ, और ये सारा लिखा हुआ है कि एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मीट होने चाहिए, इनलाइन और एम्बेडेड स्टाइल्स नहीं लगाने, अलग से एक्सटर्नल शीट बनानी है CSS की। तो अब चलते हैं फटाफट से VS कोड के ऊपर, एंड मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने अभी तक बनाई है। तो यार ये है वो वेबसाइट, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव मतलब कोई भी डिवाइस के अंदर नहीं चलेगी, मैंने अभी इसको उस हिसाब से नहीं बनाया। तो ये जैसे नेविगेशन बार है ऊपर, ये भी जहाँ पे ये सारा लिखा आ रहा है, ये सर्च बॉक्स बना दिया एक, ये मेन हेडिंग हो गई, ये गाड़ी की फोटो, और ये मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे H2 के अंदर। इसको मैंने अभी थोड़ी सी CSS देनी है, और इसको भी आर कार्ड्स को भी दूंगा, ये भी मैंने लगाई है यहाँ पे, 4 कार्ड्स लगा दी यहाँ पे। तो अब आपको मैं पहले दिखाता हूँ थोड़ा सा डिटेल के अंदर। तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखो, ये है टेस्ला लिखा हुआ है, और ये लोगो मैंने खुद डिज़ाइन किया है कैनवा के थ्रू। और अगर आप इधर जाओ, ये टेस्ला की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे टेस्ला का लोगो कुछ ऐसे का है, लेकिन मैंने वहाँ से टेस्ला का जो नेम लिखा था उसको उठा के पहले वाइट किया, उसको बैकग्राउंड दिया, फिर यहाँ पे ये लिख दिया। और अगर आप देखो, ये जो यहाँ पे टेस्ला का लोगो आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है, अगर इसको हटा दें तो ये देखो, ये वर्ल्ड वाइड वेब का लोगो आ गया। इसको दोबारा कर दें तो ये देखो लोगो आ गया, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड आपको एक और एक्साइटिंग चीज़ दिखाता हूँ, आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाके, लिटरली एनी वेबसाइट, मोस्ट ऑफ द जो डेवलपर्स होते हैं उनको ये चीज़ पता होती है, बट जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ डेवलपर्स ही नहीं देखते, और भी लोग देखते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही एक्साइटिंग, ट्राई करना ज़रूर, आपके पास लैपटॉप है आप ट्राई कर सकते हो, आपके पास PC है तो भी कर सकते हो।
तो आप कोई भी वेबसाइट, लिटरली कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट वो आपकी लोकल मशीन पे रहेगा जब तक आप पेज को रिफ्रेश नहीं करते। तो राइट क्लिक करो, ये इंस्पेक्ट के ऑप्शन है, यहाँ जाओ। ये ना डेवलपर टूल्स होते हैं, ठीक है, अभी आपकी मर्जी, आपको जैसे भी रखने हैं। ये सारा कोड लिखा हुआ है इस वेबसाइट का, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सी चीज़ टेक्स्ट है। ये दिस इज़ टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिख दूँ ना, ये देखो मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, मेरे नाम के नीचे गाड़ियाँ आ रही हैं। कहीं और भी ट्राई करके देख लेते हैं। लेट्स से ये मॉडल वाई, इसकी जगह पे हम लिखेंगे सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। ये लो, ये देखो, अब यहाँ पे सार्थक लिखा है, यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, वापस से व्हीकल आ गया एंड वापस से मॉडल वाई लिखा आ गया। तो वापस से वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये मैंने बनाई है अभी तक, और ये गूगल फॉन्ट से मैंने फॉन्ट्स उठाए हैं। ये जो फॉन्ट्स हैं ना, बेसिकली ये वाले, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इस फॉन्ट को बंद कर दूँ ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, अच्छा नहीं ना लग रहा। तो मैंने गूगल से फॉन्ट उठाए हैं। अभी मैं आपको एक सेकंड के लिए CSS हटा के दिखाता हूँ कि बिना कलर्स, बिना पिक्चर्स के कैसी वेबसाइट लगेगी, एक बार देखना ज़रा। रेडी हो? ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? ये टेस्ला लोगो है ही नहीं। ये देखो, जो ये सब मैंने लिखा था, व्हीकल्स, एनर्जी, चार्जिंग, डिस्कवर शॉप, ये टेक्स्ट, ये गाड़ियों की फोटो देखो, कोई किधर जा रही है, कोई किसका साइज कुछ है, किसका कुछ है। ये जो साइबर ट्रक का मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी। और अभी मैं CSS दोबारा लगाता हूँ। तो ये होती है यार CSS, HTML, CSS और JavaScript, इसको बना के एक फ्रंट एंड बनता है। Thank you.
थोड़ी सी और मेहनत करने के बाद ये बनाया मैंने। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, पता है। ये फॉन्ट चेंज करूँगा तो बेटर लगेगा। इसके अंदर का भी अभी फॉन्ट थोड़ा सा बेटर करूँगा। और ये बैकग्राउंड ठीक लग रहा है, ये फ़ोटोज़ और ये सारा ठीक है। ये फोटर आ गया नीचे। और बस बेसिक सी वेबसाइट बनानी थी, दैट्स इट। ये स्क्रॉल नहीं आना चाहिए इसमें, इसको हटाना पड़ेगा। लो भाई, ओवरफ्लो भी हट गया। अब आपको फॉन्ट्स दिखाता हूँ मैं गूगल फॉन्ट्स पे जाके। सारे गूगल फॉन्ट्स पे फॉन्ट्स डले हुए हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। प्रोफेशनल सा लिखना चाहिए, ये ठीक लग रहा है। हम उठाएंगे नॉर्मल वाला फॉन्ट, रेगुलर। यहाँ से इसको कॉपी किया, CSS में गए, इंडेक्स में गए, मैंने सारे गूगल फॉन्ट्स यहाँ रखे हैं, यहाँ पेस्ट कर दिए। अब उठाते हैं इसका फैमिली, उसको जाओ फॉन्ट फैमिली। तैयार हो गई है, प्रोजेक्ट रेडी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।